वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। फ्रेंड्स, वंस अगेन हाजिर हूँ JKSSB द्वारा लिए जाने वाले स्किल टेस्ट का डेमो लेके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारा जो टाइमिंग होगा वो होगा 10 मिनट्स का, यानी कि फुल जितना टाइम आपको JKSSB द्वारा दिया जाएगा स्किल टेस्ट के दौरान, उतना ही टाइम हम लगाएंगे और देखेंगे कि कितनी सारी मिस्टेक्स होने के बावजूद भी हमारी टाइपिंग स्पीड जो है वो कितनी आती है। सो फ्रेंड्स, आज हम ले लेते हैं बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो 10 मिनट्स का टाइम आ रहा है, तो जब तक हम फर्स्ट वर्ड टाइप नहीं करेंगे तब तक टाइम हमारा शुरू नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं।
देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है कि जितना भी मटेरियल टाइप किया है उसका रिजल्ट चेक करने के लिए इंटर के ऊपर हमने प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रेस इंटर टू कंटिन्यू। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, इंटर के ऊपर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ग्रॉस स्पीड है वो है 41 वर्ड्स पर मिनट और एक्यूरेसी हमारी है 97% और नेट स्पीड है हमारी 40 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। देखो रिजल्ट चेक करने के लिए अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। तो ये देखो यहाँ पे जो हमारे ग्रॉस स्ट्रोक्स हैं वो हैं 2090। ठीक है, और एरर हिट्स हमारे हैं कितने, 11 मिस्टेक्स हैं, यानी कि 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 जो स्ट्रोक्स हैं वो हमारे गलत हैं और नेट स्ट्रोक्स हमारे आए हैं 2035। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद में एक चीज और आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारा टेस्ट होगा उसके बाद में हमें ऐसे वाला जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा, यहाँ पे सिग्नेचर हमने करने हैं और उनको कॉपी जो है वो जमा कर देनी है और एक कॉपी हमारे पास आ जाएगी। ये इस बात का प्रूफ होगा कि भाई आपने यही मटेरियल टाइप किया है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। एक चीज और बताना चाहूँगा कि जो मटेरियल हमने यहाँ पे टाइप किया है उसको अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो एंडिंग वाला पार्ट होता है उसमें आपकी मिस्टेक्स कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एंड में आप ज़्यादा मिस्टेक कर दोगे तो, या तो फिर स्टार्टिंग में अगर आपने मिस्टेक्स नहीं की है तो एंड में अगर कर दोगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपकी एक्यूरेसी जो है अबव 90% ही रहेगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में भी मिस्टेक की है आपने और अगर एंड में ज़्यादा मिस्टेक करने की जो है पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि टाइमिंग को आप देखते हो तो बंदा कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप कोशिश करिए कि एंड में कम से कम मिस्टेक्स हो। अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है उसको स्किप कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मींस नेक्स्ट डेमो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए। सक्सेस इज योर्स।